साइड जल्दी भेजा जान डॉक्टर साहब देखा आ गई ना यहाँ जब खत्म है तो काहे जी रेगुलेट ये बहुत अच्छी मतलब टेक्निक है कोरोना महामारी को देख। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है और हमारे टीम में अमित बाबू ने मिल करके एक ऐसा सेटअप तैयार किया है कि एक ऑक्सीजन सिलेटर से हम लोग 6 लोगों को कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है एक पाइपलाइन का, हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगा करके देने का, लेकिन इतना जल्दी में पाइपलाइन कोई हॉस्पिटल नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हमने टूल तैयार किया है, एक जाकर के पाइप लिया है, एक जाकर के निपुल लिया है, एक टी लिया है, एक नल लिया है। इसमें हमने मास्क को जोड़ दिया है और उसके बाद में 6 लोगों को कनेक्ट करके यहाँ से हम ऑक्सीजन खोलते हैं, ठीक है। और हाँ खोलते हैं, खोलने के बाद अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं सभी जगह। तो पहला आदमी देखिए है, लाइए तो पानी लाइए, पानी यहाँ नल खोलिए, चालू हो गया है। देखिए यहाँ पर खोल, पूरा खोल, अपना खोलो, खोलो खोल यहाँ पर, यहाँ चालू करो। हाँ देखिए ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, इनको के बाद इसमें लगा देते हैं। अब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो फिर इनको हम बंद कर देंगे, फिर इनको खोलेंगे। नल चालू करो, खोलो यहाँ पर नल, अरे नल खोलो दुर्गा। देखिए और यहाँ भी आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहा है, इनको अब नल बंद करो, इसको जरूरत नहीं है, फिर हम बंद कर देंगे ऑक्सीजन, फिर आप खोलिए। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, बंद करो, बंद करो सर, बंद करो, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए। अब बोलिए यहाँ भी ऑक्सीजन आ रहा है उसी प्रेशर के साथ, सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, एक साथ एक सिलेंडर से एक समय में 6 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दी। अंतिम व्यक्ति हैं, देखिए अंतिम व्यक्ति में भी छठे व्यक्ति हैं। बंद करिए, अब टू किट हम लोग जो है श्रेणी भेज रहे हैं। कोई इस महामारी में हम जा करके एक सिलेंडर से 6 आदमी को दे सकते हैं। अभी तक लोगों को इसका फायदा नहीं। यहाँ फोन के रख लो, thank you.
ये ऑक्सीजन पाइप है, इसमें जो है एक सिलेंडर पे जो है 6 लोग की जिंदगी ऑक्सीजन मिल सकता है। जी जी, इसको कैसे 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 जुगाड़ बना रहे हैं? एक ये पी ले लिया, हमने इसमें लगा दिया था और इसको यहाँ लगा दिया। हाँ हाँ लगना है। और ये जो ये दोनों तैयार है, ये तैयार होगा, इसके बाद हमने ये पाइप जो है कनेक्ट कर दिया सभी सेंटरों पर जहाँ लग रहा था पहले से। इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। और ये हाँ, इस तरह से करने के बाद हमने ये पाइप जो है तैयार कर दिया। हाँ, ये पाइप जो है अनिल जी, आपने ये जो बनाया है, इस तरह की सोच आप लोग कैसे ही कहाँ से मैंने सीखा कि मतलब इस तरह का भी काम हो सकता है जुगाड़ का? सर, हमारे डॉक्टर जो है बताया तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो आप लोगों ने आपने बनाया है, इसको चेक किया है, मरीजों को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच रहा है? कोई दिक्कत? ये जो आइटम बना रहे हैं एक सिलेंडर पर 6 लोग के लिए, तो जो बना रहे हैं लगभग इसमें क्या खर्च आ रहा होगा? खर्च आ रहा है 150 से जो है सर, 1800 के बीच। 150 से 1800, 1000 के बीच में 1800 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह का रहा है, तो कुल मिला के ये माना जाए कि मतलब जुगाड़ तंत्र पर लोगों का एक्शन दी जा सकती है। हाँ, जनरल मरीजों को हो जाएगी आप लोगों को। ये हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में एक पाइपलाइन बनाया है, उसमें एक नल लगा दिया है और उसमें मास्क को कनेक्ट कर दिया है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कम एट ए टाइम 6 आदमी को ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि अभी महामारी में न रेगुलेटर मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले यह हमने जुगाड़ तंत्र बनाया है और ये सफल है। हम कोविड अस्पताल समय गौसिया में 2 पाइपलाइन लगाए हैं जो 2 सिलेंडर पर हम लोग जा करके 10 आदमी को दे रहे हैं और एक जिला अस्पताल इमरजेंसी में लगाए हैं। इस तरह के जो पाइपलाइन आपने बनाया, लगभग इस पर क्या खर्च क्या आ रहा होगा? 5 कनेक्शन में करीब करीब 1500 से लेकर के 1800 रुपया खर्च आ रहे हैं। यानी क्या हम ये मान लिया जाए कि 1800 के कनेक्शन में खर्च करके जो है लगभग दर्जनों मरीजों की जान इस वजह से बचाई जा सकती है? बिल्कुल बचाई जा सकती है। जो आज मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक सिलेंडर उपलब्ध होने पर हम लोग 6-6 मरीज को एक सिलेंडर से ऑक्सीजन दे सकते हैं एक समय में। 6 मरीजों को जान बचाई जा सकती है।